गिडियन सपनों की उड़ान। ये कहानी है साल 1938 की। अंग्रेजों ने अब तक भारत में अनेक क्रांतिकारियों की वीरता देखी थी, अब बारी थी मात्र 12 साल के क्रांतिकारी की बगावत देखने की। ये महान क्रांतिकारी थे उड़ीसा के बाजी राउत। घटना 10 अक्टूबर 1938 की है। फिरंगी पुलिस ने भुवनेश्वर इलाके के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। हिरासत में लिए गए कैदियों की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी। इलाके के लोगों ने पुलिस के इस अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। फिर क्या था, लोगों का आक्रोश अपनी अंतिम सीमा को पार कर गया। अब जान बचाने के लिए अंग्रेजी पुलिस के सामने वहां से भागने के सिवा कोई चारा न था। पुलिस ने ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट होते हुए ढेकनाल जिले की ओर भागने की कोशिश की और 11 अक्टूबर को बारिश में भीगते हुए नदी किनारे पहुंचे, जहां नदी के तट पर एक बालक अपनी नाव के साथ था। ये थे बाजी राउत। अपनी जान बचाने की फिराक में पुलिस वालों ने बाजी राउत को नदी पार कराने का हुक्म दिया। Boy, we wanna cross the river. Take the boat. मगर बाजी राउत अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार से अनजान नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उनके दिल में क्रोध और आक्रोश कूट कूट कर भरा था। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस को नदी पार कराने से साफ मना कर दिया। मैं आपको, आपके साहब को ना मेरे नाव में बिठाऊंगा ना उस पार लेके जाऊंगा। तो सैनिकों ने बंदूक की बट से बाजी राउत के सिर पर वार किया। बाजी जमीन पर गिर गए, मगर अपनी बात पर अड़े रहे। मैं अपने बात में अटल हूँ, मैं आप लोगों को उस पार नहीं लेके जाऊंगा। इस पर गुस्साए अंग्रेजी सैनिकों ने बाजी राउत को गोलियों से भून डाला। इस दौरान बाजी राउत के कुछ साथी भी मारे गए। इन बच्चों की शहादत ने लोगों को झकझोर कर रख डाला। आंदोलनकारी और भी आक्रोशित हो उठे। इतिहास के पन्नों में बाजी राउत भले ही कहीं खोकर रह गए हों, मगर जब जब आजादी की लड़ाई की बात चलती है तो इतिहास के वही पन्ने बाजी राउत को देश का सबसे कम उम्र का शहीद बताते हैं।